हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राजा बाबू गेमिंग में। तो गाइस, पबजी मोबाइल का 0.16 अपडेट 11 दिसंबर को आप सभी के डिवाइसेस में आ जाएगा और इस अपडेट के संग दो ईवो ग्राउंड के नए मैप आए हैं और इन दोनों मैप की वीडियो मैं बना चुका हूं और इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और साथ में ऊपर आइकन आ जाएगा, आप वहाँ पर भी प्रेस करके देख सकते हैं वीडियो। बात करते हैं TDM मैच के नए मैप की, तो इसका नाम है TDM अल्फा टेस्ट मैप। और गाइज, एक खास बात, ये तीनों मोड अभी सिर्फ बीटा वर्जन पे अवेलेबल है। अगर आप खेलना चाहते हैं बीटा वर्जन, तो बीटा वर्जन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इंजॉय कर सकते हैं इन मैपों को। बाकी अब बात करते हैं TDM के अल्फा, जो अभी टेस्ट मैप में अवेलेबल है। तो अभी ये टेस्ट है, तो गाइज थोड़ा सा आपको बेकार लगेगा दिखने का, तो फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैसा है। तो ये इसका मैप है गाइज, और ये भी 4x4 वाला मैचेज है गाइज, और इसमें अभी ये बीटा वर्जन पे है, तो गाइज ये कुछ अभी ऐसा है। तो आप इसका गेम प्ले एंजॉय कर सकते हैं अभी। और तो गाइज, अभी ये बीटा मोड में है, तो इसमें अभी आपको सिर्फ ये थंबनेल ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर लेआउट चेंज कर रहा हूं तो लेआउट चेंज हो रहा है पर यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। और जब मैं यहां पर आ रहा हूं मैप में इस मैच में, तो यही मेरे को थंब वाला जो डिफॉल्ट लेआउट होता है वही दिखा रहा है, तो आपको इसी लेआउट पे खेलना पड़ेगा। तो गाइस, TDM के मैचेस में आपको पिस्टल और ये पैन, बाकी सभी गन नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमी ने मेरे को ऑग से मारा, तो उसको ऑग A3 कहाँ से मिली है मैं आपको ये बताता हूँ। तो गाइस, जैसे जैसे आप TDM मैच कंप्लीट करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका ईवो ग्राउंड का लेवल बढ़ता रहेगा। तो गाइस, नई गन अनलॉक करने के लिए आपको ईवो ग्राउंड का लेवल इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरा लेवल 17 हुआ, तो मेरे को M416 अनलॉक हो गई। और अब बात करते हैं इनके अटैचमेंट की, तो आपको लोड आउट पर जाना है और यहाँ पर लोड आउट 1 पे मेरी S686 लगी हुई है और ये इसके अटैचमेंट आपको दिख सकते हैं लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, जो इसमें अटैचमेंट लगते हैं और ये सभी अनलॉक हैं। तो अब बात करते हैं AKM की, तो गाइस AKM पे ये अटैचमेंट है और ये सभी अटैचमेंट अभी अनलॉक नहीं है, क्योंकि मैं जब AKM का लेवल बढ़ाऊँगा, मतलब AKM से खेलूँगा, तब AKM गन का लेवल बढ़ेगा। तो जैसे ही AKM गन का लेवल बढ़ता रहेगा, तो इसके जो अटैचमेंट्स हैं वो भी अनलॉक होते रहेंगे साथ में। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस लेवल पे कौन कौन से अटैचमेंट अनलॉक होंगे। तो गाइज़, ये हैं लेवल 6 पे कंपनसेटर अनलॉक होगा, 7 पे 4X, और ऐसे धीरे धीरे करके बाकी अटैचमेंट अनलॉक होते रहेंगे। तो गाइज़, अब बात करते हैं M416 की, जो कि मेरी अभी अनलॉक हुई। तो गाइज़, इसका कोई भी अटैचमेंट अभी अनलॉक नहीं हुआ है, सभी लॉक हैं। तो इन सबको अनलॉक करने के लिए मेरे को M416 का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और M416 का लेवल तभी बढ़ेगा जब मैं उससे खेलूँगा। और बात का खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा, M416 से अगर आप क्लासिक मैचेस में खेलते हैं, तो उससे आपका ईवो ग्राउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको ईवो ग्राउंड में ही TDM के अंदर M416 का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे उसका लेवल बढ़े। तो गाइज, इस मैप के बारे में सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ अभी मैं आपको। बाकी जो भी चैनल पर नया है और जिन्होंने भी अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक देना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस मैप के बारे में पता चले। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और करिए चिकन डिनर।